से ज्ञानवापी में सातवें दिन का सर्वे खत्म हो चुका है। गुंबद के ऊपरी हिस्से की जांच की गई, चूने की पुताई के नमूने जुटाए गए, चूने की परत की स्कैनिंग भी की गई, आकृतियों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई, लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग यानी कि लिडार की भी मदद ली गई है। लिडार से छिपी हुई वस्तुओं और उसकी संरचना का खाका तैयार हो जाता है। पूरे परिसर में निर्माण की मैपिंग की गई है। निर्माण शैली, सामग्री, प्लास्टर की परतों का आकलन किया गया। एक टीम ने तहखाने और पश्चिमी दीवारों के पास जमा मलबे की भी जांच की है। टुकड़ों की 3D मैपिंग करवाई गई, बाहरी और भीतरी हिस्सों में बनी कलाकृतियों की स्कैनिंग की गई। वहीं आधुनिक मशीनों से पूरे परिसर में निर्माण कार्य जितने भी किए गए हैं उन सब की जांच की गई। आज सातवां दिन था एएसआई सर्वे का। सातवें दिन भी सर्वे का काम पूरा हुआ और खासकर गुंबद वाले इलाके में सर्वे का काम विस्तृत तरीके से एएसआई की टीम ने किया है और कई अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया गया। वैज्ञानिक विधि से यह सर्वे हो रहा है। सातवें दिन सर्वे का काम खत्म हो चुका है। गुंबद के ऊपरी हिस्से में आज जांच पड़ताल की गई और यहां पर चूने की पुताई के नमूने भी जुटाए गए हैं, यानी कि ये पुताई आखिरी बार कब हुई, सबसे पहले कब हुई थी, ये तमाम जानकारियां हासिल कर सकेंगी एएसआई की टीम। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, सातवें दिन भी सर्वे का काम पूरा हुआ। अमूमन 5 बजे तक सर्वे का काम चलता था लेकिन आज थोड़ा पहले पूरा हो गया है, इसकी वजह क्या? कल भी सर्वे होगा या हो गया है काम? देखिए, औपचारिक रूप से 5 बजे तक ही सर्वे होना है लेकिन चूंकि 5 बजे तक सर्वे होता है तो 5-10 मिनट पहले से ही जो टीम होती है वो एक जगह पे इकट्ठा होने शुरू हो जाती है, जो उपकरण होते हैं वो हटा लिए जाते हैं। तो फिलहाल अब जो है सर्वे खत्म हो गया है, 5 बजे औपचारिक रूप से सर्वे खत्म होगा और अब से कुछ देर बाद यहाँ से टीम रवाना होगी। सबसे खास बात है कि जैसा कि आज हम न्यूज 18 बता भी रहा है कि आज सातवें दिन में एसआई सर्वे में जो अगर प्रमुख तौर पर देखा जाए तो उपेंद्र, सर्वे में आज किन किन हिस्सों में जांच पड़ताल हुई, क्या मिला क्या नहीं मिला, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बताइए कि आज आप इतनी दूर खड़े हैं इस वक्त, आखिर क्यों ज्ञानवापी के सामने से रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी गई, क्यों ये रोक लगाई गई है? देखिए, ये चूंकि जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी थी उसने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी थी जिसके तहत उसने मीडिया कवरेज को लेकर आपत्ति जताई थी। उसका कहना था कि तथ्यहीन रिपोर्टिंग हो रही है और भी तमाम सारे उन्होंने आपत्ति की, जिस पर बात खुद कोर्ट ने कहा कि जो पॉइंट्स है यानी कि जो जहां पर सर्वे हो रहा है वहां से मीडिया दूर रहेगी, यानी कि जिस पॉइंट पर सर्वे हो रहा है वहां पे कवरेज नहीं होगी। हालांकि अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने एहतियातन पहले ही इस बार जब एएसआई सर्वे दूसरे सर्वे शुरू हुआ कोर्ट के आदेश के बाद तो चौक थाने के पास तो पहले काफी दूरी मीडिया प्रशासन ने बना रखी थी। धन्यवाद उपेंद्र इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे तस्वीरें और जानकारियां लेते रहेंगे, यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।